To the future. तो हमारी की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट से, से बिल्कुल में बनाना सिखा रहा हूं, पी के और हम इसमें थोड़ी सी एजेक्स भी यूज करेंगे जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी अच्छा लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था यूजर का रजिस्ट्रेशन और एडमिन का भी एडमिन को हम रजिस्टर नहीं करवाते लेकिन केस हमें को करना होता है, तो हम उसको किस तरीके से जो पहला एडमिन होगा वो वहाँ से डेटा में जाके वहाँ से एडमिन को ऐड कर सकता है ठीक है और अदर जो हमने एक चीज़ देखी थी वो हमने यूज़र को ऐड करना देखा था यूज़र मतलब एम्प्लॉय तो एक सुपर एडमिन होता है एक एडमिन होता है सुपर एडमिन का काम क्या होता है कि वो पूरी वेबसाइट को मैनेज करता है और एक जो एडमिन होता है वो एज ए एम्प्लॉयी काम कर रहा होता है जैसे कि वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो कर रहा होता है तो ये दोनों हमने चीज़ें देख ली अब हम क्या करेंगे अब हम ये देखेंगे कि अगर यूज़र लॉग करता है एडमिन लॉगिन करता है तो वेबसाइट के अंदर आ जाए अदरवाइज़ अगर उसने लॉगिन नहीं किया तो वेबसाइट के अंदर नहीं आ सकता ये एडमिन पैनल के अंदर नहीं आ सकता तो ये चीज़ हमें करनी है यहाँ पे देखें मेरे पास मैंने लॉगिन का पेज खोला हुआ है इसके अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें एक फॉर्म है फॉर्म के अंदर जल्दी से एक्शन वाली फाइल का नाम दे देते हैं एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर इसी का नाम दे, दे देते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी इसी के साथ मैथड यूज़ कर लेते हैं पोस्ट वाला यह हमारे पास चीज़ हो गई अच्छा इसके अलावा नेम की फील्ड्स यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं ई हो गई और क्या है हमारे पास सेकेंड चीज़ पासवर्ड है तो यहाँ पर इसका नेम का एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं पासवर्ड ये दोनों फील्ड्स हो गई इनको गाइड करना है किसके थ्रू जो हमारे पास साइन इन का ऑप्शन है यहाँ पे बटन है इसमें आएंगे और यहाँ पे जाके लिख देंगे इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे जाके लॉगिन अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक होगा तो क्या होगा आपका जो है फंक्शन चल जाएगा ये इसका फॉर्म का सारा का सारा डेटा पी एच पी की फ़ाइल में चला जाएगा अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे हम इनपुट फील्ड को ही ले लेते हैं तो हमारे पास ये जो जितनी भी फील्ड्स हैं इनको ज़रा मैं यहाँ से हटाता हूँ थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करता हूँ उसकी ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और ये पासवर्ड की फ़ील्ड के साथ ही इस्कॉल्टरशिप डाउन करके और यहाँ पे सिंपल यह हटा के और यहाँ इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं नेम क्या होगा इसका रजिस्टर सॉरी रजिस्टर नहीं लॉगिन होगा लॉगिन कर दिया फॉर्म कंट्रोल की क्लास हटा के बीटीएन की क्लास दे देते हैं उसको बी टी एन बी टी एन प्राइमरी इसके अलावा यह हमारे पास आई डी एग्जाम्पल पासवर्ड दे रहा तो आई डी हम हटा देते हैं इसकी भी अब देखते हैं ज़रा किस तरीके से ये शो हो रहा है हमें रन करके ये रन हुआ है इस तरीके से हमें शो हो रहा है ये अच्छा ये साइन इन का बटन आ रहा है और ये सबमिट का बटन हमने बना दिया तो इसको ज़रा देख लेते हैं साइन इन का जो बटन है उसको एज़ इट इज़ रख लेंगे ये एच रेफ के अंदर आ रहा है हम साइन इन का जो बटन है उसकी क्लास को यूज़ कर लेते हैं कहाँ पे अपने एंकर के अंदर यहाँ पे जाके इसकी क्लास मैंने हटाई और इसको यूज़ कर लिया और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो यह हमारे पास सबमिट का बटन आ गया फिर साइन इन कर देते हैं इसको सबमिट के बजाय तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें वैल्यू साइन इन ठीक है अब काम हमारा सही हो जाएगा ये हो गया अच्छा अब हमें क्या करना है साइन इन पे क्लिक करते ही हमारा यूजर क्या हो जाए एडमिन पैनल के अंदर चला जाए तो उसके लिए इसकी पी परफॉर्म करेंगे सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है पी का टैग लगा के पी और यहाँ इंक्लूड करना होता है किसको इंक्लूड करना होता है कॉन्फिक डॉट पी को ये हमने इंक्लूड कर लिया उसके बाद हम नीचे आएंगे और उसके बाद हम कहेंगे इफ़ इस सेट डॉलर अंडर पोस्ट और हमारे पास बटन का नाम क्या है लॉगिन जैसे ही लॉगिन का बटन सेट हो जाए तो क्या करो वेरिएबल बनाओ एक बनाओ नेम का वेरिएबल और उसके अंदर क्या डालो डॉलर अंडर पोस्ट नेम डाल दो इसके अलावा सेकंड क्या डाल दो पासवर्ड डाल दो ये हो गया अच्छा अब हम क्या करेंगे अब जो है यहाँ पे पासवर्ड डलवा दिया हमने अच्छा उसके लिए आ, अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे जाके इस वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं पासवर्ड नेम और पासवर्ड आ गया अच्छा जी अब लॉगिन करवाने के लिए पहली चीज़ क्या होती है कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड को क्या करवाते हो मैच करवाते हो कहाँ से डेटा के यूज़र नेम और पासवर्ड से तो आप पहले तो कहोगे कि जो हमारे पास अच्छा नेम नहीं था हमारे पास ई थी तो हम इसको ई कर देते हैं बहुत से लोग यूज़र नेम रखते हैं तो वो भी आप रख सकते हो ईमेल हो गया अब मैं यहाँ पे एक क्वेरी चलाऊँगा सिलेक्ट कई मैंने वेरिएबल बना लिया और उसके बाद मैंने कहा मैं एस क्यूल आए कनेक्शन का वेरिएबल कोमा लगा डबल के डबल कोर्स के अंदर मैंने लिख दिया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कहाँ से टेबल का नाम क्या है देखना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम है हमारे पास एडमिन एडमिन से सेलेक्ट करके लाओ सारी चीज़ें वेयर बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट टाइम किया था ईमेल इक्वल्स टू ये हो जाएगा अगर यूज़र की ईमेल और पासवर्ड मैच हो जाता है तो सारी डिटेल्स क्या करके ले आओ सेलेक्ट करके ले आओ तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा इसके रिजल्ट में हमारे पास आएगा पहले इसको एफ़ की कंडीशन लगा देते हैं और यहाँ पे जाके लिख देते हैं एफ़ माए है नम रोज़ अगर रिज़ल्ट चल जाता है अगर सेलेक्ट चल जाता है ग्रेटर देन ज़ीरो तो क्या करो एक वेरिएबल बनाओ माए स्केलाय फैच एसोसिएटिव वेरे उठा के लाओ सेलेक्ट के अंदर चीज़ें पड़ी हैं अच्छा जब ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी तो आप क्या मंगवा लोगे डी बी पासवर्ड डेटा बेस का पासवर्ड मंगवा लोगे इक्स टू आप कहाँ से मंगवाओगे डॉलर रो पासवर्ड ही था पूरा लिखा हुआ था कंप्लीट बिल्कुल पासवर्ड मंगवा लिया आपने और आपने कहा एफ़ अगर डॉलर पासवर्ड एकज टू डी बी पासवर्ड अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं एकवल हो जाते हैं ठीक है तो फिर आप क्या करोगे फिर आप बोलोगे कि ईको और ईको में जाके आप यहाँ पे इस्क्रिप्ट का टैग लगा दो जैसे रजिस्टर पे लगाया था हम यहीं से उठा लेते हैं अलर्ट लगा देते हैं तो हम इसी को उठा लेते हैं कंट्रोल सी करके लॉगिन पे आ जाते हैं और यहीं पे इसको प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं लॉग इन सक्सेसफुल कर देते हैं इसको सिंपल लॉग इन सक्सेसफुल हो जाएगा एल्स पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड गलत है तो क्या बताएगा ये ये बोलेगा इनवैलिड पासवर्ड इनवैलिड पासवर्ड बोल देगा और इसके अलावा अगर अब ये वाला एल्स तो चल गया लेकिन ये जो एफ चल रहा है अगर रिकॉर्ड मिलता है ई मैच करने पर अगर ई मैच नहीं हुई तो यहाँ पर एल्स चलाओ और यहाँ पर आके बता दो क्या बताओ यहाँ पे आके बता दो कि इन ईमेल ई ठीक है ये काम हो जाएगा अब ज़रा करके देखते हैं लॉगिन पे चलते हैं रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आके Uh, मेरे पास यूजर नेम क्या था यूजर नेम देख लेता हूँ एडमिन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और एडमिन वन टू थ्री पासवर्ड था एडमिन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और एडमिन पासवर्ड था साइन इन -in किया इनवैलिड पासवर्ड कह रहा है एडमिन वन टू थ्री था पासवर्ड एडमिन वन टू थ्री लॉग इन सक्सेसफुल अब सक्सेसफुल तो हो गया लेकिन हमें कहाँ भेजना है इसको भेजना है अगर लॉग इन सक्सेसफुल हो जाए तो यहीं पे हैडर में लोकेशन डिफाइन कर दूंगा लोकेशन दो इसको कहाँ की इंडेक्स डॉट पी एच पी की लोकेशन दे दो इंडेक्स डॉट पी एच पी में भेज दे अदरवाइज यहीं पे रखेगा ठीक है अगर पासवर्ड इनवैलिड होगा या ईमेल इनवैलिड होगी देख लेते हैं रिफ्रेश किया कंटिन्यू करूँगा सर्वर पे डेटा गया हुआ है इंडेक्स में ले जाएगा ये ले गया इंडेक्स में अच्छा अब हमें क्या करना है अब हमें ये करना है कि पहली बात तो जो मैंने आपको बताई थी कि ये तो लॉगिन का सिंपल सा प्रोग्राम हो गया ठीक है अच्छा अब दूसरी कहानी ये करनी है हमें कि अगर लॉगिन नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडेक्स है मैं यहाँ से लॉगिन पर जाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना है जब इंडेक्स पे लॉगिन हुआ हुआ यूज़र तो ये वापस ना आए रिटर्न ना आए लॉगिन के पेज पे जब तक ये लॉगिन हुआ हुआ है और अगर ये लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे इंडेक्स पे अगर मैं राउट हिट करूँगा तो ये इंडेक्स पे नहीं जाना चाहिए तो ये काम करवाना है ये काम करवाने के लिए हमारे पास ये देखें हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके तमाम डेटा मंगवाया था किसके अंदर सेलेक्ट के वेरिएबल के अंदर तो ये हमें रिकॉर्ड मिल गया था हमने इसके अंदर एसोसिएटिव वेरिया मंगवा ली थी अब मैं यहाँ पर जाके पासवर्ड भी गैड कर रहा हूँ ठीक है और उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे जाके इसी के साथ एंटर करता हूँ और यहाँ जाके मैं सबसे पहले ऊपर लिख देता हूँ सेशन स्टार्ट इसका मतलब क्या है सेशन क्या करता है आपका जो आपके सर्वर में इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी फॉर एग्जांपल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सर्वर पे ले जाके सेव कर देता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते उससे ठीक है सेशन और कुकीज में फर्क क्या है कुकीज आपकी ब्राउजर पे टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करती है और सेशन जो है वो आपका आपके सर्वर पे डेटा को स्टोर करता है ठीक है तो सेशन को यूज़ कर लेते हैं डॉलर अंडर स्कोर सेशन इसका नाम रख देता हूँ यूज़र आईडी, यूज़र आईडी स्मॉल में ही लिख देते हैं इक्वल्स टू डॉलर रो आईडी था शायद देख लेते हैं वेरिएबल क्या था की का नाम क्या था आईडी इसी तरह ईमेल, नेम ईमेल और पासवर्ड पासवर्ड तो हमने ले लिया यहाँ पे जाके नेम रख देते हैं यूजर नेम कर देते हैं इसको ईमेल, और इसको भी ईमेल कर देते हैं वही सब चीज़ें नेम और ईमेल, ठीक है अब सेशन के अंदर हमारे पास ये तमाम डेटा आके स्टोर हो जाएगा जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा जब यूजर लॉगिन करेगा सेशन के अंदर ये तमाम डेटा मिल जाएगा और फिर हम क्या करेंगे हम इंडेक्स वाली फ़ाइल में जाएंगे अपनी यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ लिख देते हैं सेशन स्टार्ट सबसे ऊपर सेशन को स्टार्ट करना होता है और हम यहाँ पे जाके एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ नॉट इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन अगर आपका सेशन यूज़र ईमेल वाला सेट नहीं है तो क्या करो तो यहाँ पे हैडर में लोकेशन बता दो कहाँ आना है इसको इसको भेजना है लॉग इन डॉट पी एच पी में लोकेशन लिखना भूल गया ठीक है।, है इतना काम हो जाएगा अदरवाइज एल्स में यहीं पे रखो अगर सेशन इसका सेट है तो ठीक है अब देख लेते हैं और लॉगिन पे भी जाके बता देते हैं सेशन स्टार्ट हुआ इफ इस सेट डॉलर अंडर स्कोर सेशन यूजर ईमेल अगर सेशन इसका सेट हुआ हुआ है, तो कहाँ रखो हेडर और यहाँ पे क्या बताओ लोकेशन इंडेक्स डॉट पी पी में फेंक दो उसको ख़त्म ठीक है अब करते हैं ज़रा इसको लॉगिन बैक किया रिफ्रेश किया एडमिन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम एडमिन वन टू थ्री ये हमारे पास हो गया ठीक है अब ज़रा इसको लॉगिन पर ले जाते हैं देखते हैं जा रहे हैं देखें लॉग इन पर नहीं जा रहा अगर मैं इंडेक्स पर जाके यहाँ लॉग इन लिखता हूँ अब एंटर करूँगा तो ये लॉगिन पर नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि सेशन हमारा क्या हुआ हुआ, हुआ है? सेट हुआ, हुआ हुआ है अब मुझे इसको वापस लॉग इन पर ले जाना है तो यहाँ पे जाके मेरे पास लॉग आउट बना हुआ है लॉग आउट पे जाके काम करूँगा तो ये इंडेक्स वाली फ़ाइल में लॉग आउट बना हुआ है इंडेक्स वाली फ़ाइल में मेरे पास हैडर के अंदर नैफ बार के अंदर लॉग आउट आ रहा है तो यहाँ कंट्रोल एफ करके लॉग आउट को फाइंड कर लेता हूँ ये मेरा लॉग आउट डॉट एच टी एम एल में लेके जा रहा है तो इसको लॉग आउट डॉट पी एच पी कर लेते हैं और यहाँ जाके लॉग आउट लिखा हुआ सही है और ये ऑथेंटिकेशन हटा देते हैं अच्छा ये लॉग इन डॉट पी एच पी लिखा हुआ था तो इसको हम लॉग आउट डॉट पी एच पी कर लेते हैं और यहाँ से आके तमाम चीज़ें हटा देते हैं अब मुझे क्या करना है इस लिंक पे क्लिक करते ही लॉग आउट डॉट पी एच पी में लेके जाना है यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ कौन सी वाली बाहर आके लॉगआउट डॉट पी एच पी यहाँ पर लेके आओ और हम कहाँ थे बार के अंदर थे यहाँ पे ये लेके आ जाएगा और लॉग आउट डॉट पी एच पी में काम कर लेते हैं क्या काम करना है यहाँ पे आगे पी एच पी लगाएंगे पी एच पी लगाई यहां पे आगे हम कहेंगे सेशन स्टार्ट सेशन आपने लाजमी स्टार्ट करना बस ये बात याद रखनी है जब भी सेशन का यूज करना है सबसे ऊपर सेशन को स्टार्ट करेंगे और यहां पे जाके हम लिखेंगे सेशन अनसेट सेशन डिस्ट्रॉय अनसेट का मतलब है कि सेशन को क्या कर दो अनसेट कर दो जो बना हुआ है ये क्या करेगा ये वेरिएबल्स को डिलीट करेगा जो वेरिएबल्स बने थे उनकी वैल्यू को डिलीट कर देगा और इसके अलावा जो हमारे पास आ, तमाम वैल्यूज़ थी जो सेशन के अंदर सेट हुई हुई थी उन सबको क्या कर देगा उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा उन सबको सारे वेरिएबल्स को ख़त्म कर देगा ठीक है अच्छा ये हमारे पास बात हो गई और उसके बाद हेडर में लोकेशन डिफाइन कर देंगे लोकेशन कहाँ भेज दो इसको वापस भेज दो लॉगिन डॉट पी में अब देख लेते हैं ज़रा रिफ्रेश किया लॉग आउट पे आए क्लिक किया लॉग इन पर आ गए अब यहाँ से इंडेक्स पे जाके देखते हैं इंडेक्स पे नहीं जा रहा जब तक लॉगिन नहीं होगा तो ये हमारा सिंपल था सेशन मेंटेनेंस सिक्योरिटी किस तरीके से करते हैं एडमिन पैनल को हमने लॉगिन करवाया लॉगिन करने के बाद हमने उसको देख लिया कि किस तरीके से सेशन मेंटेनेंस करते हैं अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग सिखाऊंगा ऐड यूज़र बताऊंगा उसके अलावा कैटेगरी एडिशन बताऊँगा प्रोडक्ट एडिशन बताऊँगा फिर उन प्रोडक्ट्स को फैच करना तमाम क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसके बाद फिर हम फ्रंट एंड पे जाएंगे फ्रंट एंड भी मैंने अच्छा सा निकाल लिया आपके लिए और उसी फ्रंट एंड पे काम करूँगा बहुत सारा काम है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह मच्लाफ़